हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम जानेंगे ये वीडियो में कि 12 अगस्त कमला एकादशी और 13 अगस्त प्रदोष व्रत के दिन हमें कौन कौन से उपाय करने हैं जो कि हमारे घर में शांति, सुख, समृद्धि, हमारा व्यापार, हमारे बच्चे सब आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी रुकावटें हैं हमारे आगे बढ़ने में वो सब दूर हो जाने वाली है। तो हम देखते हैं सबसे पहला उपाय जो कि हमें करना है एकादशी, कमला एकादशी के दिन। तो हम जानेंगे आज 5 दिए लेने हैं आटे के। कौन से दिए लेने हैं? आटे के हमें 5 दिए बना लेने हैं। उसमें हमें लंबी बत्ती डालनी है, गोल वाली नहीं, लंबी बत्ती डालनी है। जैसा कि गुरुजी ने अपने वीडियो में बताया है कि हमें कैसे करना है, तो हमें लंबी बत्ती डालनी है और गाय के घी डालना है, गाय का घी रहना चाहिए। तो उससे हमने 5 दीपक तैयार कर ली। तो आप ये जो मैं बताने वाली हूँ ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हो और मंदिर में भी जाके कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो आप घर पे करो, अगर नहीं पॉसिबल है या फिर आप मंदिर में करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। तो आपने 5 दीपक रेडी किया भगवान के सामने, आपके मंदिर के सामने बैठ के आटा गूंद के आप 5 दिए बनाए, फिर उसमें बाती रख के घी डाले गाय का। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है अगर आप घर पे कर रहे हैं तो ये 5 दीपक लेके आपके घर के मुख्य द्वार पे जाना है। कहाँ जाना है? घर के मुख्य द्वार पे, और आपको वहाँ जाके जला देना है 5 दीपक को। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कुत्ता बिल्ली या कोई आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सब बुझा दे रहे हैं या इधर उधर फेंक दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये उपाय आप घर पे आपके तुलसी का जहाँ झाड़ है वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको वो मुख्य द्वार पे रख रहे हैं तो आप अंदर से बाहर की तरफ जो भी आपका हाथ बाहर की तरफ है आप वो हाथ से दीपक को बाहर की साइड रख दें। और अगर आप तुलसी के क्यारी में रख रहे हैं तो तुलसी आप ऐसा दिया रखें कि तुलसी जले नहीं या तुलसी के ऊपर आँच ना जाए, आप उससे थोड़ा डिस्टेंस पे रखें वो दिए, तुलसी के क्यारी के थोड़ा डिस्टेंस पे रखें। जो बाकी पौधे के बाहर जो जगह रहता है हमें वहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। तो आपने घर पे किया तो तुलसी के पास या मुख्य द्वार पे ऐसे दिए रखने हैं, और अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपको घर से दीपक जला के नहीं लेके जाना है, आपको मंदिर लेके जाना है वो 5 दियों को। फिर उसके बाद आपको भगवान शिव के सामने वो 5 दीपक को जलाना है, शिव मंदिर में ही जाके आपको वो 5 दीपक को जलाना है और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से आपको अपनी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा आप चाह रहे हैं, आपकी विश चाह रहे हैं कि पूरा हो जाए, चाहे जो भी विषय है आपकी, जो भी इच्छा है, चाहे जो भी रुकावटें आ रही हैं, आप सब भगवान को बताएं और अपनी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद मांगे भगवान से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपको दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर वो दिए जो आपने जलाया है मुख्य द्वार पर या तुलसी के पास, वो आपको जाके किसी नदी में या तालाब में विसर्जन कर देना है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप किसी पेड़ के नीचे, बेल, पीपल या वट वृक्ष के नीचे वो दिए रख दे। दिए मीन्स जो दिया आपने जलाया था वो बुझ चुका है, रात हो गई, दूसरे दिन आपको वो दिए को ले जाके वहाँ पे विसर्जन कर देना है। फिर ये उपाय जो मैंने बताया आपको एकादशी के दिन करना है, ठीक है। कौन से समय? शाम के समय करना है। कौन से समय करना है? शाम के समय। फिर आपको दूसरा जो उपाय है वो करना है, आपको लेना है 1 लोटा या 2 लोटा जल लेना है और भगवान शिव के मंदिर जाना है। वहाँ पे जाके आपको भगवान शिव के ऊपर आपको वो जल अर्पण करना है, जल चढ़ा देना है,
और फिर आपको वही मंदिर में बैठ जाना है। ये जो मैं आपको नाम बताने वाली हूँ भगवान शिव का, वो आपको एकादशी श्रावण मास के में जो एकादशी पड़ती है, आपको कमला एकादशी के दिन ही ये नाम भगवान का बोलना है वहाँ मंदिर में जाके। तो आपको बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा, कितने टाइम? थ्री टाइम्स, तीन बार आपको स्वधा 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 ऐसा भगवान के मंदिर के पूजा करने के बाद बैठ के आपको बोलना है। और उसके बाद आपको अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी मनोकामना को भगवान से मांगना है, ठीक है। तो ये दोनों जो मैंने आपको उपाय बताए वो एकादशी, कमला एकादशी के दिन करना है। तो जो दूसरा उपाय था जल चढ़ाना है, वो आपको सुबह सुबह भगवान के मंदिर जाके स्वच्छ कपड़े पहन के, फिर उसके बाद आपको जल अर्पण करके फिर ये मंत्र का जाप करना है, स्वधा 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 का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उस दिन शनिवार है तो आप ये तीसरा उपाय करें, आप शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं, एक आप चाहे मिट्टी का दिया या फिर आटे का दिया ले लें, उसमें लंबी बत्ती जला लें और घी डालें, ठीक है, गाय का घी, और शाम के समय आप जाके पीपल के पेड़ के नीचे जला के आएं, क्योंकि शनिवार का दिन है और एकादशी है और उस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं पीपल में, लक्ष्मी नारायण। तो आप उस दिन जाए और लक्ष्मी नारायण से विनती करें कि कभी आपके घर में धन धान्य की कमी ना हो। वो आप ऐसा करोगे तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी और आप देखेंगे कि जो भी आपका रुका हुआ काम है वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो आपको प्रदोष काल, प्रदोष व्रत के दिन करना है। प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या करना है, तीन बेलपत्री लेनी है, सुबह सुबह नहा के स्वच्छ कपड़े पहन के आपको मंदिर तीन बेलपत्री लेके जाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो तीन बेलपत्री आपको उसमें से एक बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाला जो जगह है वहाँ पे आपको चढ़ा देना है। तो बेलपत्र का जो डंडी है वो होना चाहिए जलधारी के तरफ और जो पत्ती है वो होना चाहिए भगवान शिव की तरफ। तो आपको ऐसे अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ा देना है। फिर उसके बाद जो दूसरी पत्ती है आपको क्या करना है, वो आप जो भगवान शिव के ऊपर कलश रहता है, भगवान शिव के ऊपर कलश रहता है, वो कलश पे आपको बेलपत्र को छुआ देना है, टच करा देना है। और भगवान शिव की पांच पुत्री, उनकी पांच पुत्री जो है उनका आपको नाम लेना है, आपको नाम लेना है जया विषहर शामिल बारी देव और दोतली। आप फिर से मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये पांच उनकी कन्याओं का नाम लेना है, जया विषहर शामिल बारी देव और दोतली, ये भगवान की, शंकर भगवान की पांच पुत्रियों के नाम लेने हैं। इससे अगर आपको सर्प दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये भगवान अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार करते हैं, उनका नाम लेने से ही आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो आपको ये करना है, और अगर आपका व्यापार बिजनेस आगे नहीं बढ़ना है, बढ़ रहा है, आप शुरू कर दिए हो, तो वो इंसान जिसने शुरू किया है, जिसका बिजनेस है, वो खुद अगर ये प्रदोष के दिन उपाय करता है तो आप देखेंगे कि उसका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, वो ऊंचाई की राह पे आगे बढ़ते जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो इंसान जो बिजनेस ओपन किया है, खोला है, उसको खुद करना है ये अपने हाथों से पूजा, ठीक है। तो आपने एक बेलपत्र अशोक सुंदरी को चढ़ाया और
एक बेलपत्र आपने कलश में टच कराया पांच पुत्रियों का नाम लेते हुए भगवान शिव के। फिर जो तीसरा बेलपत्र है वो आपको भगवान शिव को शिवलिंग पे टच कराना है, छुआ देना है और माता पार्वती के हस्त कमल पे और अशोक सुंदरी पे फिर से आपको टच कराना है और वो बेलपत्र लेके जाना है आपको बड़े बेलपत्र का जहाँ झाड़ है वहाँ पे आपको लेके जाना है वो तीसरा बेलपत्र। और आपको क्या करना है वहाँ पे कंकड़ या फिर मिट्टी होगी उससे आपको शिवलिंग का आकार बनाना है। फिर वो जो तीसरा बेलपत्र है वो उनको अर्पण कर देना है जो आपने शंकर शिवलिंग बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वहाँ भगवान से प्रे करना है कि आपके घर पे सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, आपका बिजनेस आगे बढ़ाए और जो भी आपसे गलती हो क्षमा करें और आपको आगे की राह दिखाएं। ऐसे भगवान से आपको आशीर्वाद लेते हुए आपके घर आ जाना है। फिर उसके बाद आपको करना है यहाँ पे दूसरा उपाय प्रदोष काल के दिन ही, तो आपको प्रदोष के दिन ही आपको प्रदोष काल में ये करना है। आपको दो दीपक जलाने हैं तो एक दीपक आपको बेलपत्र बेल का जो झाड़ है वहाँ पे आपको रख देना है और वो दीपक घी का होना चाहिए लंबी बाती वाली, और जो दूसरा दीपक है वो आपको मुख्य द्वार पे आपके घर के मुख्य द्वार पे जलाना है। कौन से काल में? प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय होता है 6 से 7 बजे का समय शाम का, तो आपको ये समय पे आपको वो दो दीपक जला देने हैं। आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी सुख शांति और समृद्धि की कमी नहीं होगी, धन धान्य से भरा रहेगा आपका घर, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट उपाय है वो भी प्रदोष काल प्रदोष व्रत के दिन ही करना है। तो प्रदोष के दिन आपको क्या करना है, आपको एक लोटा लेना है, उसमें आधा लोटा पानी भरना है, जो आपने तांबे का लोटा लिया है उसमें आधा लोटा पानी भरना है, उसमें शमी के पत्ते, एक बेलपत्र और गुड़ और कुछ मूंग हरी मूंग की दाने आपको डाल लेने हैं वो पात्र में, वो लोटे में। और फिर आपको जाना है सुबह सुबह भगवान शिव के ऊपर शिवलिंग पे आपको चढ़ा देना है और भगवान से आपको प्रार्थना करना है कि आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप ये सब उपाय करके देखें, जो प्रदोष काल पे है वो प्रदोष काल पे ही किया जाना चाहिए, उस दिन करें, और जो एकादशी का है 12 अगस्त को वो आप एकादशी के दिन ही करें। ध्यान से वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये उपाय। अगर नहीं समझा, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें और अपने प्यारे से शिव भोलेनाथ बाबा का जो भी प्यारा सा नाम आपको पसंद हो वो कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।